वेलकम बैक एवरीवन। एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। देखो, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हम लोग के पोर्टफोलियो में भी है, तो प्लीज टेक इट एज अ डिस्क्लेमर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक इस समय पे हमें नजर आता है एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इसमें नजर आती है। देखो, वैल्यूएशन की कोई कंसर्न यहाँ पे सबसे बड़ी बात है नहीं नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक के पीई को देखते हो, 14 पे है। इंडस्ट्री का पीई 14.1 पे है। साथ ही में अभी इसका प्राइस टू बुक अवेलेबल नहीं है। हम लोग एक्चुअली ना इस पे एक डिटेल वीडियो भी लाने वाले हैं, वो मोस्ट प्रोबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी। एंड उसमें हम लोगों ने इसके एनुअल रिपोर्ट्स को भी हम लोगों ने मंगवाया हुआ है, तो वो सैटरडे को थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसके वैल्यूएशन वाइज। बट अभी आप एक जस्ट समझो कि वैल्यूएशन वाइज हमें काफी अच्छे लेवल पे जो है यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इनका। जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो है माइक्रो फाइनेंस लोन में। उसका पूरा कंपोजर और उसका पूरा ब्रेकडाउन हम लोग डिस्कस करेंगे उस डिटेल वीडियो। मतलब वो हम लोग एक नया ही कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। 2019 में 880 करोड़ के सेल्स थे। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे 880 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ के सेल्स हो गए विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। मतलब 3x सेल्स विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, सो दैट इज वन बिग थिंग। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपको वो समझना है। पॉइंट ये है कि जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तो ऑलरेडी 100% की अपसाइड पर लिस्ट हुआ था और उसके बाद में भी इट इज नॉट इन द मूड टू स्टॉप राइट नाउ। हमें लगता है दिस इज अ स्टोरी लाइक हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड जब आया कुछ समय के लिए रुका एंड देन इट शूटेड अप लाइक 500%। आज तक वो 2 साल से अटका हुआ है, तो वी थिंक वो ऐसी ये एक ऐसी स्टोरी हो सकता है। इट्स आई एम नॉट सेइंग ये 500% ऊपर जाएगा, इसको प्लीज अपना रिसर्च जरूर करना। 2500 करोड़ का सेल्स हमें रेवेन्यू में देखने को मिला मार्च 2023 में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2800 करोड़ का Q3 रिजल्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है वो एक डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। एंड जनरली भी अगर आप देखो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स का मतलब ही कहीं ना कहीं ये होता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। ईपीएस ग्रोथ काफी सॉलिड रही है, 69 पैसे से बढ़ के सीधा 4.5 रुपए तक गई है, तो दिस इज डेफिनेटली ह्यूज। एंड अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो आपके स्क्रीन पे अगेन एक बार Q3 रिजल्ट्स आएंगे तो ये पैटर्न भी अपडेट होगा एंड वील हैव अ मच बेटर आइडिया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा नया टारगेट आया 70 रुपीज का। इनकी रिसर्च रिपोर्ट भी इस पे आई होगी, इसको प्लीज देखना एक बार, आपको अच्छा आइडिया लगेगा। बाकी इसी के अराउंड सब न्यूज है, इनको इग्नोर करते हैं। देखो, चार्ट्स बहुत सिंपल है, ब्रेकआउट सॉलिड रहा। ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम जो है एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिला, 40 मिलियन का वॉल्यूम रहा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर पब्लिक एक्सपोजर एंड वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, तो देयर आर चांसेस कि जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वो भी थोड़ी जल्दी हो सकती है। बट अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है कंटिन्यू होगा अप अंटिल 61.65 रुपीस का जोन। देखो, इनिशियली रेजिस्टेंस जो है वो है यहाँ पे 60.35 रुपीज से 61.70 रुपीज तक, तो आपको इस रेजिस्टेंस का तो आइडिया लेना ही है। एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ये जो मोमेंटम बन रहा है नया कंटिन्यू होगा। And same goes with the person who have not bought the stock right now. अगर आप further यहाँ पे stock में positions बनाना चाहते हैं, मैं आपकी जगह पे होता तो मैं wait करता यहाँ पे to for the stock to break its final resistance, क्योंकि ये all time high resistance है। ये resistance break करेगा stock तो momentum जो है वो और solid और थोड़ा सा stronger note पे हमें होता हुआ नजर आ सकता है। देखो, levels की कोई बात नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है आपको अगर आप इसमें positions बना रहे हो तो आप सिर्फ इसमें levels को trail करते हुए चलो। ये जो zone है ना, ये जोन ऑलमोस्ट 30% के आसपास का जोन है, तो इनिशियली यहाँ से जब स्टॉक निकलेगा तो 30% के आसपास का जोन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को आज मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज डाउन टू 32-30 का पी दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी इस तरीके की ग्रोथ है एंड उत्कर्ष के अंदर ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा हायर साइड पे, तो वो चीज आपको देखनी है। बट 30% की अपसाइड यहाँ से मतलब होता है समवेयर क्लोज डाउन टू 80 रुपीज के लेवल, तो वो हमें लगता है ये जोन जो है क्लियर कर पाएगा यहाँ से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट देखते हैं, अर्निंग्स सर्टेनली यहाँ पे स्टॉक की बहुत मैटर करेंगी। Q3 रिजल्ट जब आएंगे तो वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं यहाँ से, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आया तो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।